हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशली के ड्रामा लवर्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर के मौके पे हमें कौन कौन से कोरियन ड्रामा जो है वो देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। तो आइए जानते हैं और देखते हैं एक झलक कि अक्टूबर में आपको कौन कौन से के ड्रामा जो है वो देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, वो भी हिंदी डब में। तो सबसे पहले आपको बेलेरिना नाम की एक एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवी देखने को मिलेगी अक्टूबर 6 को हिंदी डब में। जी अंगस, आपको इसके हिंदी टीजर है या फिर ट्रेलर है वो आपको नेटफ्लिक्स के ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगला है स्ट्रॉन्गर नामसून, जो एक एक्शन कॉमेडी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज है और इसकी सीजन 1 में टोटल 16 एपिसोड है और आपको ये के ड्रामा है वो 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। और ये के ड्रामा आपको हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी वीकली बेसिस के तौर पर। तो अगला के ड्रामा है डूना, जो एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा टाइप की सीरीज है और इसकी सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड है और इसकी सभी एपिसोड आप सभी को एक साथ देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर 20 अक्टूबर को हिंदी डब में। और इसके भी टीजर वगैरह आपको नेटफ्लिक्स के ऐप पर देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में। और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ड्रामा देखने को मिलेगी द मून डेट राइजेस इन द डे, जिसकी एपिसोड है वो वीकली रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर 25 अक्टूबर को। फिलहाल मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि आपको ये के ड्रामा है वो हिंदी में देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन बता दूं कि एक रोमांटिक थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज है तो मे भी आपको इसके हिंदी डब वर्जन वो देखने को मिल जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये के ड्रामा वो हिंदी में देखने को मिल सकता है, बट मैं आपको इसकी फुल्ली कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूँ। तो अगला के ड्रामा है कास्ट अवे डीवा, जो एक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टाइप की सीरीज है और इसकी सीजन 1 में आप सभी को टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेगी और आपको ये के ड्रामा है वो 28 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर वीकली। और फिलहाल इस के ड्रामा का भी हिंदी कंफर्मेशन होना बाकी है, बट हाईली चांसेस है कि आपको ये के ड्रामा वो हिंदी में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो के ड्रामा है वो टीवीएन की ओरिजिनल है और टीवीएन और जेटीबीसी की जो कोरियन ड्रामाज है जो वीकली में आ रही है वो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हो रही है। तो मे भी आपको ये के ड्रामा वो हिंदी में भी देखने को मिल जाए। तो जो भी हो, फिलहाल मैं इसकी ऑफिशियल हिंदी डब की कंफर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा और अगर इन फ्यूचर इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन मिल जाती है मुझे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही अपडेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर। We'll be right back.